हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश ब्लॉग में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल जाए। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम TVS Zest 110 के स्टोरेज एरिया और उनकी कैपेसिटी के बारे में, और हम फिर इस गाड़ी को चला करके भी देखेंगे ये किस तरीके की राइडिंग एक्सपीरियंस आपको देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। दोस्तों, मैंने TVS Zest 110 की फुल डिटेल रिव्यू पे पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उन दोनों वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वो दोनों वीडियो जा कर के देख सकते हो। पहली वीडियो फर्स्ट इम्प्रेशन वीडियो थी TVS Zest 110 की, और दूसरी वीडियो जो है वो फुल डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू थी TVS Zest 110 के बारे में, जिसमें मैंने उसकी सारी डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन, डायमेंशंस और प्राइस के बारे में फुल डिटेल जानकारियां आपको दी हुई थी। तो वो वीडियो आप जा करके उसमें देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो इसमें जो है आपको दो स्टोरेज एरिया देखने को मिल जाती है। पहला तो आप ओपन है, आप यहीं से देख सकते हो। ये जो है फ्रंट ग्लव बॉक्स जो है बड़ी सी, ये आपको पहली स्टोरेज एरिया मिल जाती है। इस पर आप 1 लीटर बोतल इस साइड, इस तरफ लेफ्ट में, और 1 लीटर बोतल जो है वो राइट साइड में रख सकते हो। बड़ी इजीली यहाँ पर आ जाएगी, और कुछ हल्के फुल्के लगेज की आप सामान भी इस पर छोटी मोटी डाल सकते हो। तो ये है जो इसकी पहली स्टोरेज एरिया। और दूसरी स्टोरेज एरिया जो है वो है इसके अंडर सीट स्टोरेज एरिया, जिसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो हमें की जो है यहाँ से निकालनी पड़ेगी, और अंडर सीट स्टोरेज एरिया को ओपन करने के लिए यहाँ पे हमें की स्लॉट में डालनी पड़ेगी। ये हो गई है अपनी स्टोरेज एरिया, अंडर सीट स्टोरेज एरिया ओपन। ये रही इसकी बूट स्पेस। तो 19 लीटर की बूट स्पेस आपको TVS Zest 110 में देखने को मिलती है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो कि 19 लीटर की ये जो बूट स्पेस है, इसमें मैंने एक फुल साइज हेलमेट जो है वो रखा हुआ है। तो ये जो है ऑलमोस्ट पूरी एरिया जो है वो कवर कर ले रहा है। इसके अलावा आप शायद कुछ और सामान इसमें जो है वो रख पाओगे। इसको मैं एक बार हटा के आपको दिखा देता हूँ कि ये एरिया जो है आपको कितनी बड़ी मिलेगी। ये तो आपको जो है 19 लीटर की ये बूट स्पेस आपको TVS Zest 110 में मिलेगी। तो अगर आप फुल साइज हेलमेट इस पर नहीं रखते हो तो ये तो पूरी एरिया आप यूटिलाइज कर सकते हो अच्छे से, लेकिन अगर आप हेलमेट कैरी करते हो और इस पर अगर आप फुल साइज हेलमेट जो है वो रखोगे तो आपको जो है इतनी सी स्पेस ही बचेगी। चलिए इसको कर देते हैं बंद और देखते हैं बाकी लगेज कैरी करने के लिए और कहाँ कहाँ जगह स्पेस दी गई है। तो एक और लगेज को कैरी करने के लिए ये जो है हुक दी गई है, रिट्रैक्टेबल हुक यहाँ पे। ये जो है 3 kg वेट को सपोर्ट कर लेगी। तो ये एक हुक यहाँ पे दी गई है, और दूसरी जो हुक आपको मिल जाती है वो है फिक्स्ड हुक है। ये यहाँ ये जो है ये फिक्स्ड हुक है आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो दोस्तों, ये रहा TVS Zest 110 की स्टोरेज एरिया और उनकी कैपेसिटी के बारे में। अब हम इस गाड़ी को राइड करेंगे और बताएंगे इसकी राइडिंग एक्सपीरियंस। तो मैं अब बैठ गया हूँ TVS Zest 110 में। चलिए करते हैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट। तो अपनी गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। जैसा कि मैं इसका
थ्रोटल एक्सेस करके भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए अब चलाते हैं गाड़ी को। तो जैसा कि मैं बताया था आपको कि ये गाड़ी जो है महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी है, हल्की है, और इसका राइडिंग एक्सपीरियंस भी जो है वो बहुत ही अच्छी निकल के आ रही है। इसके सस्पेंशन जो है बहुत ही अच्छी है। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं थोड़े से उबड़ खाबड़ वाले रास्ते से गुजर रहा हूँ, तो सस्पेंशन इसकी बहुत ही अच्छी मुझे लग रही है। इसके परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छी है, राइडिंग करने में बहुत ही सुकून देगी। और सामने से हमारे गुजरी MG ग्लोस्टर। तो राइडिंग एक्सपीरियंस जो है उसमें भी आपको ये बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ये गाड़ी आप जो है वो कंसीडर कर सकते हो। तो दोस्तों, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।